दोस्तों, अगर आप ट्रैवल कर रहे हो अभी इन द फ्यूचर, इसी महीने या अगले महीने, और एक न्यूज़ आपने पढ़ी होगी, B737 MAX मैंने टाइप किया है गूगल पे, और आपको पता होगा कि ये क्रैश हुआ है 2 दिन पहले। ये क्रैश इसी तरह के जहाज का क्रैश, एक लाइन एयर, एक एयरलाइन थी इंडोनेशिया में, वो 6 महीने पहले उसका भी क्रैश हुआ है। B737, अगर आप ट्रैवल कर रहे हो कनाडा या विद इन इंडिया भी, आप थोड़ा सा होशियार हो जाओ, अपनी एयरलाइन से पूछो या ट्रैवल एजेंट से पूछो, अगर उसे नॉलेज है कि इस फ्लाइट को 737 मैक्स तो नहीं यूज़ कर रहे। एक इसमें खबर, इसमें लोग यहाँ पर दिया है कि B737 MAX टू कीप फ्लाइंग इंडिया डिस्पाइट प्लेन क्रैश। तो अभी इंडिया वाले भी इसको कह रहे हैं कि चलते रहने दो, देखी जाएगी, जब भी होगा देखी जाएगी। जेट एयरवेज स्पाइस जेट जो है, ये भी बोइंग 737 मैक्स उड़ाते हैं, तो ये भी अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। मेरे को डर लगता है कि इस पे भी क्या हादसा कब कहाँ हो जाए, कुछ नहीं कह सकते हैं। सिंगापुर एयरलाइंस इज वन ऑफ द सेफेस्ट, वन ऑफ द वेरी क्वालिटी एयरलाइंस एनीवेयर इन द वर्ल्ड। सिंगापुर एयरलाइंस हैज सस्पेंडेड बोइंग 737 मैक्स फ्लाइट्स आफ्टर इथोपिया क्रैश। आप देख रहे हो न्यूज़ पे आ रहा है, इथोपियन एयर क्रैश पुट स्पॉटलाइट अगेन ऑन बोइंग 736। चाइना इंडोनेशिया ऑल्सो ग्राउंड प्लेन्स, चाइना ने, चाइना का बहुत बड़ा मार्केट है, मैं कुछ आंकड़े पढ़ा था, 6,000 प्लेन्स इनको चाहिए हैं, डिफरेंट एयरलाइंस को इतनी डिमांड है वहाँ पर, उन्होंने भी 737 मैक्स पे रोक लगा दिया कि भाई ये जहाज अभी हम फिलहाल टेम्परेरी सस्पेंड करेंगे। इंडोनेशिया तो पहले ही लायन का बताया मैंने कि आपको हो चुका है, तो थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है कि आप इसको टाइप कर लें, ऐसे टाइप कर लें गूगल पे जाके, जस्ट टाइप 737 मैक्स, और इससे आपको आ जाएगा एयर कनाडा। देखते हैं एयर कनाडा भी यूज़ कर रहा है कि नहीं कर रहा, मेरे ख्याल करते हैं एयर कनाडा, और अमेरिकन अमेरिकन काफ़ी एयरलाइंस भी यूज़ कर रही हैं। देखिए इसमें भी लिखा हुआ है, एयर कनाडा वेस्ट जेट विल कंटिन्यू टू फ्लाई, यहाँ पर मैक्स 8 आफ्टर इथोपियन क्रैश। कैनेडियन एयरलाइंस फ्लाई 41 प्लेन्स ऑफ द टाइप दैट क्रैश्ड इन इथोपिया। एयर कनाडा, वेस्ट जेट और कई अमेरिका की एयरलाइन जो लो कॉस्ट एयरलाइन जैसे साउथ वेस्ट है और भी होंगी, ये सब उड़ा रहे हैं 737, और 737 में जो खतरा है वो एयरलाइंस आपको बता नहीं रही हैं। इसलिए आप थोड़ा सा, अगर आपकी टिकट बुक है कहीं जाने के लिए, आप एयरलाइंस को कॉल करें, उनसे पूछो कि मेरी फ्लाइट जो है उसमें 737 मैक्स तो नहीं यूज़ कर रहे हैं आप, और कर रहे हैं तो आप थोड़ा सावधान हो जाएं, आप देखें आपके पास क्या ऑप्शन है। तो ये मेरे को कहना था, थैंक यू वेरी मच। B737 MAX अगर आप ये टाइप कर देंगे गूगल पे, तो आप इसके बारे में सब कुछ पढ़ सकते हैं, और अभी बोइंग 737 MAX को कह रहे हैं कि इंडिया में भी उड़ाते रहेंगे टिल द टाइम कुछ और पता लगता है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, और ज़रूर लोगों को बताएं जिनकी स्पेशली फ्लाइट्स हो गई, जिनको ट्रैवल करना, उनको बताएंगे।